स्लो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम इन दिसिस क्लास और आज हम कवर कर रहे हैं वी आर कवरिंग प्री और मीनस दोनों के परस्पेक्टिव से चीज़ों को कवर करेंगे आज दो एडिटोरियल हमारे पास हैं okay. इंडिया चाइना पार्टनरशिप के ऊपर है uh, ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है है ना द थिंग इज दैट क्योंकि चाइना की तरफ से ही इसको लिखा गया है और दोनों एडिटोरियल आज के हिंदू न्यूज़ से ही हैं तो इंटरेस्टिंग क्यों है आई विल लेट यू नो फॉर श्योर ठीक है चाइना की जो हिपोक्रेसी है वो सामने आती है अच्छे पॉइंट्स हैं लेकिन किस तरह से यूज करना है वो थोड़ा ध्यान रखना ना चाइना ने अपने फेवर में लिखे हैं लेकिन अगर आप उनको पढ़ोगे अपने आप आपको समझ आएगा क्या है वुमन मेक दर्ल्ड बेटर अगेन जो इकोनॉमिक्स का जो नोबल प्राइज है कंटेक्स वही है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं कि किस तरह से हमें uh, जो एक हमारा व्यू है ना एक पैराडाइम शिफ्ट की ये बात कर रहा है मतलब लार्जर कॉन्टेक्ट में ये एक मैटर को उठा रहा है जिसपे बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है जी का जो एस्टिमेशन है वो मॉनिटरी टर्म के अंदर ही बात हो रही है एक बार थम्सअप करके बता देना ऑल इज ओके okay. Great to see you guys here. Clear. So this one is again important in the larger context. एक बड़ी डिबेट चलती है उसको ये आ, open करता है, है ना और कुछ वैलिड पॉइंट्स भी यहाँ मिलते हैं डार्क पैटर्न क्या होता है पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है थैलीयम पॉइजनिंग पी टी के लिए important है ठीक है कॉन्ड्रोसाइड्स एंड हीमोग्लोबिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है साइंस इन टेक्ट पे आ जाएगा uh, कि हीमोग्लोबिन जनरली हम देखते हैं कि हमारे आर बी ब्लड में ही होता है लेकिन ये एक नई स्टडी है तो वहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स है इंटरनेट कवरेज को लेके प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा समझेंगे पिछवाई ये जो पेंटिंग है ये भी आपकी न्यूज के अंदर लास्ट में main answer rating का क्वेश्चन है तो चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिव नोट के साथ और थिंक इज दैट कई बार क्या होता है बच्चे या फिर हर कोई अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये फेस करता ही है और आप देखेंगे जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं ठीक है तो चार लोग ऐसे आएंगे वो कहेंगे अरे तुम आई बनोगे तुम आई बनोगे या जो भी वट गोल यू डिसाइड केवल आई ए एस आई की बात नहीं है अगर आप कुछ भी ऐसा एक गोल डिसाइड करते हो तो चार लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो कहेंगे कि यार तुम ये करोगे तुमसे नहीं हो पाएगा कोई भी नया इनिशिएटिव कोई स्टार्ट कर रहा है एग्जाम की बात क्यों करें तो यू विल ऑलवेज फाइंड सम पीपल वो ऑलवेज क्रिटिसाइज एक तरह की निगेटिविटी वो लेके आते हैं ट्राई नॉट टू पे अटेंशन टू है ना उनको इग्नोर करो सबसे अच्छा तरीका यही है इससे क्या होगा एनर्जी आपकी डिप्लीट होगी अननेसेसरी एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स तो पहले ही नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है क्यों उसको बढ़ाए मेक श्योर वट एवर योर गोल इज देयर और आपको डर लग रहा है अंदर से कि यार कैसे होगा मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्लियर ये तभी होता है जब आप प्रयास कर रहे हो अंदर से अंदर से वेन यू हैव दिस प्रयास थिंक कि हाँ यार मुझे करना है प्रयास करना है कि होगा नहीं होगा अगर आप कुछ नहीं बिल्कुल रिलैक्स करके बैठो तो क्या है तो गोल थोड़ा ऐसा होना चाहिए जो आपको चैलेंज करे क्योंकि तो उसको अचीव करने के अंदर आपको थोड़ा करना पड़ेगा ना गेटिंग दिस अगर मैं कहूँ कि आपको जो पानी है दिस तो द हिल तो ये एक ऊपर ऐसा सा बना हुआ है दिस इज द हिल यहाँ पे एक अच्छा सा घर बना हुआ है आपको पानी ऊपर से नीचे डालना है तो कोई एफर्ट नहीं है ना लेकिन अगर आपको नीचे से ऊपर लेके जाना है विल तो रिक्वायर द एफर्ट कभी भी डर लग रहा है और ये सब चीज़ें उसको ज़्यादा हावी मत होने दो वो चीज़ें रहेगी वो नॉर्मल कॉन्टेक्स में रहेंगी चीज़ें बट उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है उसके अगेंस्ट में सरेंडर नहीं कर देना है ठीक है उसको एक्नोलेज करो कि हाँ यार ये प्रॉब्लम्स हैं नाउ वाट आर द ऑप्शन आई हैव इन चीज़ों पर मेरा कंट्रोल है क्या मैं कर सकता हूँ उन पर फोकस करना है ठीक है जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हमने पहले क्या किया था वो चीज़ें अब आपके कंट्रोल में नहीं है ना आगे क्या होगा क्या नहीं होगा अभी आप क्या कर सकते हो कैसे प्लान कर सकते हो ना एक्शन पार्ट उन चीज़ों पे फोकस कर लीजिए चेन्नई होस्ट एंड आर्ट एग्जीबिट शो केसिंग द पिछवाई सम डेटिंग बैक टू थ्री फिफ्टी अगो अगर मैं बात करूँ सेवनटीन सेंचुरी इन द मिडिल ऑफ सेवनटीन सेंचुरी पिछवाई पेंटिंग्स से चर्चा में आती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कर लेना इसको ये जो न्यूज़ है और आर्ट एंड कल्चर पे आप देखोगे थोड़ा सा करंट को लिंक कर रहा है जनरली क्या होता था पहले कि हाँ आपने कोई भी एक बुक कर लिया है तो उससे हो गया अभी थोड़ा सा द थिंक इज़ दैट करंट को भी इंटीग्रेट कर रहा है तो स्ट्रेटिक प्लस करंट दोनों अच्छे से कर लो आर्ट एंड कल्चर में एक बुक आती है नितिन सिंघानिया सर की वो आप अच्छे से कर लीजिए बट उसमें प्रॉब्लम यह है सात आठ सौ पेज की किताब है है ना तो वो बच्चे फिर स्कीप ही कर जाते हैं इतना टाइम ही नहीं है चलो छोड़ते हैं थोड़ा सा मैनेज करके कर लो उसको फिर एन सी आर टी है है ना एन सी आर टी इज़ अगेन वेरी गुड ट्राई नॉट टू स्किप दैट अगर आर्ट एंड कल्चर अच्छे से कर लो टाइम अलाउ कर रहा है तो फाइन और फिर करंट अफेयर एडिशन तो आर्ट एंड कल्चर वाला बहुत अच्छा पोर्शन आपका हो जाता है एडवांटेज ही आपको देके जाएगा पिछवाई पेंटिंग्स क्या हैं ये देख लेते हैं देखो पिछवाई जो पेंटिंग है हिंदू डिवोशनल पेंटिंग्स हैं और ये जनरली हमें देखने को मिलती है राजस्थान में एक जगह नाथ द्वारा राजस्थान के बच्चे होंगे वो सब तो जानते हैं नाथ द्वारा जगह है तो ये पुष्टि संप्रदाय की पीठ भी है इसमें ये भी ध्यान रखना आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा पुष्टि मार्गी संप्रदाय ये क्या कर रहे हैं ये जो लॉर्ड कृष्णा है उनकी पूजा कर रहे हैं उनके बाल स्वरूप की है ना ऐसा माना जाता है जो श्रीनाथ जी हैं वो सात साल के जो श्री कृष्णा है उनके रूप में वहाँ पे विराजमान है तो जो श्रीनाथ जी का जो बैकड्रॉप है है ना वहाँ पे ये जो पेंटिंग्स है पिछवाई पेंटिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है बैकड्रॉप ऑफ द श्राइन ऑफ द इन द श्राइन ऑफ श्रीनाथ जी वहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है जनरली पिछवाई पेंटिंग क्लोथ पे कपड़े पे बनाई जाती है और इसकी नरेटिव क्या होगी थीम क्या होगी थीम होगी कृष्णा की लाइफ से रिलेटेड जो भी स्टोरीज हैं ओके okay, और जो भी फेस्टिवल होगा सेलिब्रेशन होगा उस हिसाब से वो उसको डिपेक्ट करेगी फॉर एग्जांपल मैं बताऊं जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं तो यहाँ पे लॉर्ड श्रीनाथ जी हैं ये जो पीछे बैकड्रॉप आपको दिख रहा है ये पिछवाई पेंटिंग ठीक है तो इसमें गोपाष्टमी एक उत्सव है उसको यहाँ पे डिपेक्ट किया जा रहा है कोई और सेलिब्रेशन होगा फेस्टिवल होगा तो उसको यहाँ पे डिपेक्ट आ गया समझ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ठीक हाँ ये हिंदू डिवोशनल पेंटिंग है थीम्स लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है और राजस्थान के नाथद्वारा में होता है क्लियर है मिनिएचर्स होंगी इन जनरल ओके तो इन द मिडिल ऑफ सेवेंटीन सेंचुरी समवेयर वहाँ पे ये स्टार्ट होती है तो साढ़े तीन सौ साल पुरानी ये हैं और क्या ध्यान रख सकते हो दैट्स ऑल ब्राइट कलर वगैरह हैं ठीक है मच लुक्स फाइन बाकी फिर आर्ट एंड कल्चर में पेंटिंग करते हो तब वहां पे पिछवाई का जिक्र इतना डिटेल में नहीं आता है ठीक है ना वहां पे मिनिएचर में आप देखोगे तो हाँ ढूंढाड़ शैली भी आ रही है किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी आ रही है मिनीचर्स में मुगल वाले जो मिनिएचर है वो भी आ रहे हैं बट पिछवाई इज़ नॉट दैट मच एम्फरसाइज दैट्स वाई आई वॉज से हाँ यार अगर करंट के अंदर है तो फिर वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ठीक है अगर थोड़ा सा स्मॉल रेफरेंस भी अगर आपको दिखेगा स्टैटिक पोर्शन कर रहे हो तो आप वो हाईलाइट नहीं करोगे लेकिन वो करंट में आ गया तो ध्यान रहेगा क्वेश्चन आता है यू विल बी एबल टू मैनेज द क्वेश्चन ठीक है हेलो निकिता हेलो जयश्री हेलो सुरेंद्र सर सेशन को सारे बच्चे शेयर कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ये आएगा आपका एडिटोरियल है ना आईआर पे है एडिटोरियल क्या कह रहा है चाइना इंडिया पार्टनरशिप देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें कही गई हैं है ना जिन प्रॉब्लम्स को आज पूरा विश्व फेस कर रहा है पूरा वर्ल्ड जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उनके सोल्यूशन की बात यहाँ पे ये यह कहता है है ना कौन कह रहा है चाइना की तरफ से चाइनीज एम्बेसी की ऑफिशियल है उन्होंने लिखा है तो वो कह रहे हैं कि देखो यार इंडिया और चाइना जो कि बढ़ती हुई एशियन पावर्स हैं ना बड़ी इकोनॉमीज हैं पॉपुलेशन साइज बड़ा है इमर्जिंग इकोनॉमी है हमारे शेयर टाइज रहे हैं हजारों सालों से क्लियर हम यहाँ पे यार साथ आके पूरे विश्व के फ्यूचर को शेप कर सकते हैं तो ना अगर हम यहाँ पे साथ आते हैं पूरे विश्व के फ्यूचर को शेप कर सकते हैं थर्टी फाइव थर्टी फोर परसेंट पॉपुलेशन को भी तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आ, और ये किस कॉन्टेक्स में कह रहे हैं चाइना की तरफ से एक वाइट पेपर रिलीज किया गया अ तो ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर चाइनाज प्रपोजल्स एंड एक्शन इसमें चाइना ने जो बातें की बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं क्या कह रहे हैं देखो ये कह रहे हैं कीप द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जितनी भी पूरे विश्व में इतनी मेहनत की है चाइना ने ये निकाला होगा ठीक है पेपर पब्लिश किया है तो कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा थिंक इज दैट जितनी भी जो मेजर प्रॉब्लम्स है ना पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनके ऊपर ये ग्लोबल कॉपरेशन की बात करेगा देखो इकोनॉमिक सेंस में भी बात होगी पॉलिटिकल या जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक सेंस में क्या कह रहा है देखो कह रहा है कि हमें क्या जरूरत है हमें जरूरत है करेक्ट डायरेक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के करेक्ट डायमेंशन की जरूरत है कि ग्लोबलाइजेशन सही डायरेक्शन में जाए ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है आज पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है है ना इस तरीके से काफी सारे नेटवर्क हैं इसके माध्यम से सभी जगह पे एक दूसरे से कनेक्टिविटी है ठीक है एक देश की दूसरे देश पर निर्भरता है कहीं से प्रोडक्शन हो रहा है कहीं से रॉ मटेरियल आ रहा है कहीं से वर्कर्स समय मिल रहे हैं कहीं पे असेंबलिंग हो रही है वट एवर लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि काफी सारे देश जो है यूनी फॉलो कर रहे हैं प्रोटेक्शनिज्म फॉलो कर रहे हैं यूनी मतलब कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर लिया जनरली क्या होगा डब्ल्यू बना हुआ है कुछ रूल्स हैं रेगुलेशन आप उनको फॉलो करो लेकिन हमें तो अपनी मर्जी से जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे क्लियर तो ये हो गया यूनि को फॉलो करना इसका मतलब भी ध्यान रखिएगा इज इज द द मीनिंग मीनिंग ऑफ ऑफ अदर थिंग्स फाइन तो फिर दूसरा है प्रोटेक्शनिज्म प्रोटेक्शनिज्म का क्या मतलब है क्यों ये वर्ड्स एक्सप्लेन किए जा रहे हैं क्योंकि इन एक एक वर्ड्स को बेसिस करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अगर आपको इनका मतलब पता है यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन क्लियर है प्रोटेक्शनिज्म का क्या मतलब हो गया प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है कि सरकार जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल चाइना इज देयर तो चाइना क्या करेगा कोई भी जो uh, उसके इम्पोर्ट हैं उन इम्पोर्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा या तो उनके ऊपर टैक्स लगा देगा वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो चाइना के अंदर कॉम्पिटिशन में पिछड़ जाएगा इस तरह की जो uh, ये चीजें फॉलो कर रहे हैं वी कॉल इट प्रोटेक्शनिज्म एंड ऑल आ गया समझ में डीकपलिंग है मतलब आप पूरा अपने आप में ही सेपरेट ही रहना चाहते हो है ना एक दूसरे से जुड़े नहीं रहना चाहते तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग और ये बात सच्चाई है इसमें गलत कुछ नहीं है लेकिन क्या चाइना ये चीजें नहीं कर रहा है चाइना तो नोटोरियस है ना इनके लिए देखो कर खुद रहा है और कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए ये इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे चाइना की हिपोक्रेसी साफ दिखेगी यूनि के लिए चाइना जाना जाता है आपने देखा जब ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना के समय कहा कि यार ये वायरस चाइना की लैब में बनाया नहीं बनाया इसको थोड़ा टेस्ट करा लो चाइना ने बस यूनीटरली सेंशन पोज कर दिए ऑस्ट्रेलियन वाइन्स के ऊपर ऑस्ट्रेलियन वाइन का पूरा मार्केट एक बार में खत्म हो गया कटिंग दिस तो चाइना हैज़ बिन डूइंग दिस थिंग ना ये ध्यान रखें राइट पाथ ऑफ द पीसफुल डेवलपमेंट फिर सेकेंड पॉइंट पे देखो इकोनॉमी के बाद क्या कहता है कि हमें पीसफुल डेवलपमेंट करना होगा ना मतलब पॉलिटिकल सिक्योरिटी सेंस में बातें कर रहा है कि हमने पहले देखा कॉलोनियलिज्म हुआ है ना कॉलोनीज बनाई गई भारत को गुलाम बनाया गया और बहुत सारे देश हैं है ना चाइना वाज अंडर कलोनियल ऑक्यूपेशन तो इस तरह से बहुत नुकसान हुआ फिर हैजी चली हैजीमॉनिज़म चला हैजी मतलब एक देश की दादागिरी कि हमारा ये रहेगा ये सब चीज़ें हैं हमारे कंट्रोल में हम सब डिसाइड करेंगे सो बेसिकली इज रेफरिंग द तो चाइना इज़ रेफरिंग टू तो द यू एस हैजी फॉर शोर या फिर उस समय पर जो यू एस वर्सेज यू एस एस आर भी काफ़ी लंबे समय तक रहा ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है क्लियर इसकी वजह से नुकसान हुआ है और अभी ऐसा नहीं हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट इक्विटी जस्टिस म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉपरेशन को इंश्योर करना चाहिए सही बात है गलत कुछ नहीं है लेकिन क्या चाइना ये कर रहा है क्या चाइना म्यूचुअल रेस्पेक्ट म्यूचुअल कॉपरेशन को इंश्योर कर रहा है लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन द साउथ चाइना सी साउथ चाइना सी के अंदर आप तैयार तो नहीं है ना अपनी पोजिशन को निगोशिएट करने के लिए तैयार तो नहीं है कोई एक का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार तो नहीं है जबकि इंडिया को देखो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ इशू था है ना वहां पे ई जेड को लेके अगर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रिब्यूनल द्वारा जो डिसीजन आया उसको इंडिया ने एक्सेप्ट किया इंडिया को लॉस था लेकिन इंडिया ने एक्सेप्ट किया क्योंकि इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन को मानना है म्यूचुअल रेस्पेक्ट वॉज देयर रेस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन वॉज देयर बट जब चाइना के अगेंस्ट में आया तो क्या चाइना ने उसको माना चाइना ने तो नहीं माना चाइना तो आउटराइटली रिजेक्ट कर रहा है कि हाँ चाइना ने लिखी तो सारी अच्छी बातें हैं लेकिन क्या वो ये कर रहा है बात करता है पंचशील की ठीक है तो क्या चाइना उनको फॉलो कर रहा है हमने देखा जब हिंदी चीनी भाई भाई था टू के अंदर, अंदर अटैक हुआ चाइना की तरफ से जिस तरीके से तो आप बोल सब अच्छा रहे हो है ना अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो लुक एट द एक्शन आपके काम की तरफ भी तो देखा जाएगा ना वट आर योर एक्शन आपके काम क्या है दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी वेरी कंसर्निंग इशू कि चाइना हैज बिन टॉकिंग ऑल द राइट पॉइंट्स बट डूइंग नथिंग राइट है ना कॉमन वैल्यूज ऑफ पीस डेवलपमेंट इक्विटी जस्टिस डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी लुक चाइना इज टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेसी ठीक है इस आर्टिकल में डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं क्या चाइना एक तरीके से आप कह सकते हो कि हाँ डेमोक्रेसी क्या वहां पे लोगों को फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ नहीं है आपने थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया जैक मा जैसे व्यक्ति जिन्होंने अली को फाउंड किया है ना वो आज विश्व के सबसे अमीर आदमी होते हैं लेकिन आज टॉप टेन ट्वेंटी थर्टी कहीं नहीं वो व्यक्ति चाइना के बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर देता है छह महीने तक गायब रहता है आप पता नहीं क्या स्थिति है क्या नहीं है तो इस तरह की तो फ्रीडम है वहां पे सोसाइटी के अंदर एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड द फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी आ गया समझ में और फिर इसी को एक्सप्लेन और कर रहे हैं इसी आर्टिकल की देखो डेमोक्रेसी के अलग फॉर्म हो सकते हैं जो भी डेमोक्रेसी का फॉर्म हो सकता है यार एटलीस्ट आपको अपने ओपिनियन रखने की है ना आपके पास ऑप्शन तो होना चाहिए ना एक ही पार्टी है वहीं से चुन के आ रहा है वट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वी आर लिविंग गेटिंग दिस कोई फ्री प्रेस वहां पे नहीं है फ्री प्रेस अगर आज चाइना में होती तो कोरोना जैसी महामारी ये जो पेंडेमिक है इससे बचा जा सकता था कोरोना पेंडेमिक से बचा जा सकता था अगर वहां पे फ्री मीडिया होता कि तो इंडिया की तरह न्यूज बाहर आ जाती है इस, इस तरह से है, तो हम सब अलर्ट हो जाते चाइना ने न्यूज़ ही बाहर नहीं आने दिया ट्रू मल्टी लेटरलिज्म को प्रैक्टिस करो अब चाइना को दिक्कत हो रही है देखो तो बात तो सही है कि मल्टी लेटरलिज्म प्रैक्टिस होना चाहिए मल्टी लेटरलिज्म मतलब कोई भी ऐसा इशू है ना जो परेशान कर रहा है जैसे क्लाइमेट चेंज की समस्या है Uh, या फिर कोई भी पीस सिक्योरिटी इशू है तो कोई भी एक देश वहां पर डिसाइड ना करे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सारे देश मिलकर डिसीजन मेकिंग करें दिस इज द मीनिंग इन वेरी सिंपल टर्म मल्टीलैटरलिज्म की बात कर रहा है ना लेकिन ये कह रहा है ट्रू मल्टीलैटरलिज्म ट्रू मल्टीलैटरलिज्म क्या ये चाहता है कि अपनी अप, मेरे हिसाब से जो मल्टीलैटरलिज्म है वो चाइना इज बेसिकली ट्राइंग टू से आप कह दीजिए कि इसको मिर्ची लग रही है कि इंडिया जो है जैसे क्वाड के अंदर चला गया इंडिया ने एक तरह से अपना जो कॉपरेशन है कि इंडो पैसिफिक है तो उसको मैनेज करने के लिए चलो जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं रूल ऑफ लॉ इंटरनेशनल रूल्स को है ना उनके अंदर विश्वास रखते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में विश्वास रखते हैं गेटिंग दिस वो सारे कंट्रीज साथ हैं तो इंडिया ने जापान ऑस्ट्रेलिया यू के साथ क्वाड बनाया नाउ द चाइना इज सेम की आप तो ब्लॉक पॉलिटिक्स कर रहे हो दिस इज नॉट ट्रूट मल्टीलेटुर ये इसकी थिंकिंग है बैक ऑफ द माइंड उस सेंस में ये यह यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं बाकी हाँ मल्टी तो होना चाहिए आज भी आप देखोगे यूनाइटेड नेशन या उससे एसोसिएटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं ना सब जगह पे कुछ देश हैं जिन्होंने डोमिनेंस किया हुआ है दिस इज इंडीड द ट्रू प्रॉब्लम बट इसका सोल्यूशन चाइना अपने तरीके से तो नहीं निकाल सकता ना ग्लोबल साउथ को रोपिन करना पड़ेगा ये है आगे आएंगे जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है इंडियन इकनॉमी इंडियन इकोनॉमी पे ये एडिटोरियल है देखो ये एडिटोरियल जो है वैसे तो कॉन्टेक्स सेम ही है और मैंने कहा था कि होता ऐसा ही है कोई भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है वी स्टार्ट गेटिंग ऑल काइंड ऑफ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स रेगुलरली उस पर आना शुरू हो जाते हैं आपको जरूरी नहीं है जैसे अभी इसराइल ये वाला चल रहा है उस पर आएंगे उसी तरह से इकोनॉमिक्स में जो नोबल प्राइज़ दिया गया है ना आउडिया गोल्डन को दिया गया है क्योंकि उन्होंने बताया कि महिलाएं है जो हैं वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन किस तरह से उनका रहा है क्या उनको प्रॉब्लम्स रही है आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है सोसाइटी तो के कॉन्टेक्स्ट में भी आर्टिकल पढ़ा रखा है है आपको अभी शायद एक दो दिन पहले ही हमने करा यहाँ पे ये एक बड़ी लार्जर डिबेट को ओपन करता हुआ एडिटोरियल है रादर देन कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना क्या डिबेट यहाँ पे देखो आज कोई भी इकोनॉमी है है ना जब हम कहते हैं ना कि हाँ यार यूएसए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है या इंडिया विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडिया बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकनोमी ऑफ द वर्ल्ड इस बेसिस पे हम कह रहे हैं क्या क्राइटेरिया है आप कहोगे सर क्राइटेरिया है जीडीपी आ गया समझ में इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस है नहीं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी क्या होता है जो भी देश है उसमें जो भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसका मॉनिटरी वैल्यू मॉनिटरी वैल्यू मॉनिटरी टर्म्स के अंदर हम इसको मेंशन करते हैं अब यहां पे जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहां पे कह रहे हैं कि हमें ट्रिक डेवलपमेंट के लिए जाना होगा गोइंग बियॉन्ड द जी डी पी इस डिबेट को यह ओपन करता है और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है मान के चलिए आपको कोई किताब नहीं मिल रही है इस तरह के नोट्स है जहां पर इसको एम्फेसाइज किया हुआ प्रजेंट कॉन्टेक्स में हाँ एच डी आई वगैरह की बात है बट दिस इज समिंग विच वी नीड टू टॉक अबाउट इन द कॉन्टेक्स ऑफ वूमेंस पार्टिसिपेशन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको ध्यान रखिएगा प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि हमें जीडीपी के भी बियॉन्ड जाना होगा ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पे बात करना होगा क्योंकि जीडीपी इज़ ऑनली टॉकिंग अबाउट द नंबर्स न केवल नंबर्स की बात कर रही है एक्चुअल में लोगों का कितना वहाँ पे बेहतर है स्थिति ये हमें पता नहीं चलता है हो सकता है किसी देश की जी लगातार बढ़ रही हो लेकिन दूसरी तरफ उसी देश के अंदर लोगों की स्थिति खराब भी हो सकती है या फिर इनिक्वालिटीज बढ़ सकती है तो जीडीपी जो नंबर है वो पूरी तरह से नहीं है और अगर आप ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए जाते हो तो अदर इंडिकेटर्स को भी देखना होगा ना सोशल इंडिकेटर्स हेल्थ केयर एजुकेशन है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक नेसेसिटीज है उसका एक्सेस लोगों को है या नहीं है ना सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया सैनिटेशन हो गया इलेक्ट्रिसिटी हो गया हाउसिंग हो गया ये सब चीजें न्यूट्रिशियस फूड है तो इसलिए ये कह रहे हैं देखो जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट एक अच्छा आइडिया हमें देता है अब इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट में रैंक क्या है आप देखो वन रैंक ऑफ इंडिया ओ के पार है जब जीडीपी से हम बात करते हैं इंडिया की तो रैंक क्या है फिफ्थ नंबर पे एक में हम पांचवें नंबर पे हैं एक में हम सौ के भी पार चले जाते हैं ये आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली वी नीड टू वर्क ऑन दिस ह्यूमन डेवलपमेंट थिंग है ना लोगों को बेहतर एक फ्यूचर देने के लिए उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए तो so यहां पे ये कह रहे हैं कि हमें अगर वाकई में यहाँ पे इम्प्रूव करना है कि इंडिया इकोनॉमी के मामले में पांचवें नंबर पे आ गया जल्दी फोर्थ पे आ जाएगा जापान को पीछे छोड़ देगा यू हैव दैट जर्मनी को पीछे छोड़ देगा फिर जापान को पीछे छोड़ देगा ठीक है ये सारी चीजें होंगी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा बट वाट अबाउट दिस वन थर्टी प्लेस यहाँ पे भी तो कुछ करना होगा ना तो ये कह रहे हैं कि इसके लिए अब इसको ध्यान से सुनना यही इंपॉर्टेंट चीज है एंड दीज थिंग्स यू वॉन्ट फाइंड इन द बुक्स एंड एटसेटर ये क्या कह रहे हैं कि इसके लिए हमें केयर गिविंग सर्विसेज पे ज्यादा इन्वेस्ट करना है क्या करना है केयर गिविंग सर्विसेज पे ज्यादा इन्वेस्ट करना है केयर गिविंग सर्विसेज में डोमिनेंट रोल प्ले कर रही है वुमेन लेकिन हो क्या रहा है या तो जो सर्विसेज ये दे रही है इनका जो रोल है या तो उसको एक्नोलॉजी नहीं किया जा रहा है ना मॉनिटरी टर्म्स में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन एड ही नहीं है अगर एड है जैसे आशा वर्कर्स हो गई आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गई उस लेवल पे वो काम कर रही है तो बहुत पुअर पे उनको दिया जा रहा है गेटिंग दिस ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप जो है ना इन्वेस्ट कर दो केयर गिविंग सर्विसेज में आप इन्वेस्ट करो या तो इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है केयर गिविंग सर्विसेज में उसको एक्नोलेज करो या फिर जैसे आशा वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर्स काम कर रहे हैं कुछ एग्जाम्पल है और बहुत सारे इसमें आएंगे इनका जो आ, आ, इनको बहुत ही पुअरली पे किया जा रहा है सो वी नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स केयर गिविंग सर्विसेज इंप्रूव होगी क्योंकि देखो आशा या आंगनवाड़ी जैसे मैं आंगनवाड़ी की बात करता हूँ आंगनवाड़ी के अंदर अगर चीजें इंप्रूव होती है तो बच्चे का और माँ माँ का है ना वुमन और चाइल्ड जो दोनों है उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव होगा फॉर श्योर sure. अगर इन न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव होता है क्या इंडिया के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट में ये इंप्रूवमेंट नहीं होगा क्या इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर जो इतना पीछे बैठा हुआ है पाकिस्तान से श्रीलंका से इन सबसे पीछे केवल अफगानिस्तान से आगे हम साउथ एशिया में इस कैटेगरी में इंडिया को क्या इंडिया इंप्रूव नहीं करेगा डेफिनेटली इंडिया इंप्रूव करेगा तो ये कह रहे हैं कि हमें क्या है ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट में जाना है ना जीडीपी के जाना है। ये जो पहली लाइन लिखी में। है।, ये मैंने आपको अच्छे से किया है क्या है क्या नहीं है तो आप डील कर पाओगे अब इसके लिए केयर गिविंग सर्विसेज पे इन्वेस्टमेंट कर दो एग्जांपल में आशा वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर्स लिख सकते हो और फिर जीडीपी जो है ड नॉट वैल्यू तो केयर गिविंग वर्क क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में ही बात करती है ऐसी कोई भी सर्विस ऐसी कोई भी वस्तु जिसके लिए पैसे का लेन हो रहा है पैसे में उसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं काइंड ऑफ थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन द दैट्स ऑल ठीक है तो यहाँ पे ये यह कह रहे हैं कि अगर महिलाओं को आपको इंक्लूड करना है या फिर इकोनॉमिक टर्म में भी ऊपर जाना है तो डेफिनेटली हमें क्या करना होगा क्योंकि आप केयर गिविंग सर्विसेज को मॉनिटरी टर्म्स में ले नहीं रहे हो तो वी नीड टू मेक श्योर कि जो वुमन है वो क्या करें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें कहा पार्टिसिपेट करें इंडस्ट्रियल पुश देम मोर एफिशियंट इंडस्ट्रियल फॉर्म एस्टेब्लिशमेंट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द जी डी पी महिलाओं को जो है फॉर्मल वर्क फोर्स के अंदर भी जगह मिलना शुरू हो लेकिन आज अगर आप जॉब मार्केट की स्थिति देखोगे तो वहाँ तो यूथ के लिए या फिर ओवरऑल हम बात करें तो जॉब का तो क्राइसिस ही है स्पेशली उस तरह की जो स्टेबल जॉब्स हुआ करती थी अभी वो नंबर ऑफ जॉब्स कम है इन कंपेरिजन कम जनरेट हो रहा है अभी ज्यादा जॉब्स कहाँ पे जनरेट हो रही है गिग इकोनॉमी में मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की जॉब्स क्रिएट हो रही हैं यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो है लेकिन आपको पता नहीं है कि हाँ अभी मैं ये काम कर रहा हूँ तो फिर बाद में क्या है क्या नहीं है सोशल सिक्योरिटी नाम पे वो चीज़ें वहां पे नहीं है ठीक है कि आपका पेंशन बेनिफिट है या फिर मेडिकल बेनिफिट है एटसेट्रा एट्सेट्रा अभी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल फॉर्म के अंदर बहुत ही मुश्किल है बहुत मुश्किल यहाँ पे हो रहा है ज़्यादा ये इसको लिंक भी कर सकते हो अगर मैं कहूँ फ्यूचर ऑफ वर्क क्वेश्चन आते हैं फ्यूचर ऑफ वर्क से रिलेट कर लेना इस तरीके की, की जॉब्स क्रिएट हो रही है एम्प्लॉयमेंट एक आप सिलेबस में है तो आप इसको लिंक कर लेना कि देखो अब जो जॉब्स क्रिएट हो रही है ना ये जॉब्स क्या है गिग इकोनॉमी में है गिग इकोनॉमी मतलब जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर के जॉब वर्क फोर्स होते हैं जैसे आप देखोगे जोमेटो है है ना स्विगी है वहाँ पे जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं जो आपको फूड डिलीवरी कर रहे हैं है, है ना वो हो गए ओला उबर हो गए ये कुछ एग्जाम्पल है लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं है बड़े बड़े लेवल पे भी देखोगे बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स हैं है ना चाहे हम सॉफ्टवेयर की बात करें या फिर आर्किटेक्ट की बात करें या फिर और अकेडमिक कॉन्टेक्ट्स में बात करें तो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर के वर्कफोर्स पे जा रहे हैं कि अच्छा ये काम है हम आपको ये काम करके देते हैं ठीक है अपनी तरह से करेंगे वो नाइन टू फाइव वाला नहीं रहेगा वट एवर द रेमोनोरेशन इज देयर वी विल बी टेकिंग दैट बट वंस दैट पर्टिकुलर वर्क इज डन वाट अबाउट नेक्स्ट तो ये जो गिग इकनॉमी है इसी के अंदर नंबर ऑफ जॉब्स ज्यादा जनरेट हो रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर में नंबर ऑफ जॉब्स ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं इनफॉर्मल में हो रहे हैं फॉर्मल में नहीं हो रहे ये फॉर्मल इनफॉर्मल का क्या है फॉर्मल का मतलब हो गया नाइन टू फाइव की जॉब है मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे फाइव डे सिक्स डे वीक ओवर टाइम है तो पैसा मिलेगा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट आपको दिए जाएंगे पेंशन बीमार हो गए तो मेडिकल हेल्थ और ये सारी चीज़ें ये फॉर्मल में है इनफॉर्मल में ऐसा नहीं है ठीक है कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है और इस तरह की चीज़ मोर नंबर ऑफ जॉब्स आर क्रिएटेड इन द इनफॉर्मल एंड द गिग इकोनॉमी दिस इज द रियलिटी लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट बड़े बड़ी जो कंपनीज है वहां पर भी अब आप देखोगे इवन इन गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो वी आर विटनेसिंग कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर के अंदर चीजें जा रही है और ये भी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्ट है ठीक है तो यहाँ पे इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है वहां पे वुमेन के लिए क्या स्कोप है ये थोड़ा देखने वाली बात है हालांकि एक पॉजिटिव जरूर है वुमेन के लिए क्योंकि जो गिग इकोनॉमी है ये वुमेन को वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है है ना इससे कि वो वर्क और जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बना सकते हैं ठीक है वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं जैसा आपने देखा होगा क्लाउडिया गोल्डिन को जो इस साल का नोबेल प्राइज दिया है इकोनॉमिक्स में उन्होंने ये बताया कि पहले एग्रीकल्चर जब था जब वुमेन का पार्टिस जब एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वुमन का पार्टिसिपेशन ज्यादा था ठीक है फिर जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो गई तो वुमन का पार्टिसिपेशन कम हो गया अभी सर्विसेज में धीरे धीरे बढ़ रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये गिग इकनॉमी वगैरह क्या करेगी इस पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकती है लेकिन थोड़ा सा रेगुलेशन की जरूरत है गिग इकनॉमी के अंदर भी थोड़ा सा वर्कर्स के फेवर में चीजें जानी चाहिए कुछ स्टेट ने किया भी है ओके फिर ये तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे ओपन करता है ठीक है देखो कह रहा है मेस्कुलाइन व्यू ऑफ द इकोनॉमी और फेमिन व्यू ऑफ द इकोनॉमी ये क्या है इकोनॉमी का मस्कुलाइन फेमिनाइन व्यू क्या है मस्कुलाइन व्यू इन द सेंस कि जो मशीन्स हैं या जो भी प्रोडक्शन है ठीक है आ, वो होगा और ड्रिवन बाय द द प्रोडक्शन प्रोसेस विल बी ड्रिवन द कंपटीशन। दिस इज द मस्कुलाइन व्यू ऑफ द इकनॉमी अकॉर्डिंग टू द ऑथर फेमिनाइन व्यू ऑफ द इकोनॉमी इज अ सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बींग्स हु केयर ऐसी सोसाइटी जो कि केयर करती है दूसरी जगह है कि प्रोडक्शन भी होगा कॉम्पिटिशन होगा कौन सा व्यू आज हमें चाहिए मस्कुलाइन व्यू चाहिए या फेमिनाइन व्यू चाहिए आप कहोगे सर दोनों बहुत आर इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा हमें बैलेंस करने की जरूरत है क्यों करने की जरूरत है क्योंकि आज जो टिल्ट है हिस्टोरिकल सेंस में जो टिल्ट रहा है झुकाव रहा है मस्कुलाइन व्यू की तरफ रहा है फेमिनाइन व्यू ऑफ द इनॉमी उसको भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है क्योंकि तभी ह्यूमन सेंट्रिक जी डी इसको जा सकते हैं ना ह्यूमन सेंट्रिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जा सकते हैं ये ह्यूमन सेंट्रिक कैसे अचीव करोगे ये थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट है ना ये चेंज करने की जरूरत है ओवरऑल जो थिंकिंग है उसको थोड़ा सा शिफ्ट करने की जरूरत है एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो कोट कर सकते हो अपने उसमें देखो जो नॉबल लॉरिएट हैं है ना जैसे उन्होंने मेंशन किया कि कैसे जो लोकल कम्युनिटीज हैं ओपन विथ वुमन एट देयर सेंटर लोकल कम्युनिटीज में अगर वुमेन सेंट्रल रोल के अंदर हैं दे कैन डेफिनेटली मेक द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ द लोकल रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड इक्विटेबली एंड सस्टेनेबली ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनको आप लिख सकते हो एस के फॉर्म में बता सकते हो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और एग्जाम्पल लिखना हो ठीक है एक बच्चे ने कहा था कि सर वो एग्जाम्पल और ये हमें कम पड़ता है तो इसको लिख लो देखो और क्या होता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंशन कर लो जैसे कोरोना है कोरोना के समय पे क्या हुआ लॉकडाउन और ये सब रहा वुमन स्पेसिफिक जो ये ग्रुप हैं जैसे एस है उन्होंने क्या किया टिफिन सेंटर्स अवेलेबल कराए मास्क बना बना के अवेलेबल कराए ठीक है सैनिटाइजर्स हैं हाथ धोने वाले साबुन है और ये सब उन्होंने अवेलेबल कराना शुरू किया जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो रही थी जो कमी में चल रहे थे इस तरीके से आपने जो पेंडेमिक है उसको वहां पे रोका थिंक दिस दे आर प्लेइंग सो मैनी मेनी इंपॉर्टेंट रोल्स एस कैसे सोशल कैपिटल को क्रिएट कर रहे हैं क्लियर कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में और ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं हाँ सेवेंटी ईयर्स में वो तीन नोबल प्राइजें वगैरह वो चीज़ें भी हैं बट इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना जो हमारा मेजर क्रक्स था वो हमने लिख ले लिया है ना राइटर को जो लिखना है या और यहाँ पर जो भी है वो लिखना है हम अपनी जगह लिख रहे हैं बट दीज आर द मेजर थिंग्स दीज आर द इशूज विच डायरेक्टली इको विद द सलेबस जिस तरह से ये कनेक्ट होते हैं सिलेबस से इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए लिखने को तो बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं चलिए एट्टी परसेंट ऑफ इंडिया अर्बन पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू द हाई स्पीड इंटरनेट प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ऑब्वियसली द कॉन्टेक्स इज 5G जी सर्विसेज एक साल हुआ है लगभग है ना तो अनवील किए बहुत अच्छा कवरेज 5G नेटवर्क ने यहाँ पे दे दिया है तो अभी यार 5G जब से आया मुझे तो ये लग रहा है कि 4G वाली जो स्पीड है दैट इज नॉट देयर क्योंकि हमारा जो एरिया है वहाँ पे तो नहीं आ रहा है और जगह पता नहीं तो 4G नेटवर्क की बहुत जब ब्रॉडबैंड डेड हो जाता है इन दैट केस वेन वी ट्राई टू यूज दिस ये भी तो फोर जी हैंडसेट है तो वो इंटरनेट स्पीड तो है ही नहीं और और कॉल ड्रॉप ये भी बहुत हो रहा है कुछ समस्याएं है तो हैं लेकिन ओवरऑल पे एक अच्छी बात ये है कि इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन है एट्टी परसेंट अर्बन पॉपुलेशन के पास हाई स्पीड इंटरनेट है देखो इंटरनेट का एक्सेस होना इज वन थिंग हाई स्पीड इंटरनेट इज अ डिफरेंट थिंग क्यों हाई स्पीड इंटरनेट और इसमें फर्क क्या है आपको याद है टू वाला जमाना याद है टू जी ये तो वो डायलप कनेक्शन भी आते हैं वो फोन से डायलप करके और करते थे जिसमें केवल ब्राउजिंग होती थी कि वेबसाइट खुल गई है ठीक है और आप ब्राउजिंग करके कुछ पढ़ लो स्टिल आई डू रिमेंबर देर वॉज अ मूवी थ्री हंड्रेड एक मूवी आई थी पुरानी है आई थिंक फिफ्टीन ईयर स्पार्ट और उस पर बनी थी वो काफी मुझे अच्छी लगी और आई वॉज क्यूरियस यार ये हुआ है मतलब इसका रियल लाइफ से क्या है ट्राइंग टू रीड तो वो डायल अप कनेक्शन से वो करके और फिर उस टाइम पे वो पढ़ देते हैं मैं क्या था ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है जो वीडियो है और इस तरीके से इतनी स्पीड पे ये चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं थी फिर थ्री जी आया वीडियो वगैरह और इनका पॉपुलरिटी बढ़ा फोर जी के आने से ऑनलाइन एजुकेशन और इनका योग बढ़ गया ठीक है और अब फाइव जी आने से चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है उसका प्रभाव भी बढ़ रहा है कि किस तरह की चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं देखो प्राइम मिनिस्टर के खुद के वर्ड्स हैं यहाँ पे आप चाहें तो इसको पढ़ लेना अगर मन कर रहा है तो बाकी पूरा कंटेंट तो यहाँ पे हमने ले लिया है क्या कह रहे हैं इंक्रीज द ईज ऑफ लिविंग देखो इससे होगा क्या ईज ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी ईज ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो ठीक है उसके अंदर हो गया उसके अंदर चीजें बेहतर हो जाएंगी अगर वो स्पीड ही नहीं है सो हाउ डू सपोज टू टेक द क्लासेस इसी तरह से टेली मेडिसिन है कोरोना के समय पे बहुत काम आई ना संजीवनी पोर्टल था लाखों लाखों लोगों ने घर बैठे से कंसल्टेशन लेके फायदा लिया ऑनलाइन मैप्स और ये सब हम यूज कर रहे हैं तो जितना अच्छा स्पीड होगा इंटरनेट का उतनी चीजों को कर सकते हैं ये कह रहे फाइव जी का कवरेज अच्छा हो गया जिससे एट्टी इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन के पास में एक्सेस हो गया है हाई स्पीड इंटरनेट का तो सिक्योर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सप्लाई चेन इसकी बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा वैल्यू एडिशन कर देता हूँ देखो तो एक रिपोर्ट आई थी 2022 में जो लेटेस्ट है उसके आधार पे ये जो 22 वाली ये जो रिपोर्ट है ये क्या कहती है पचास परसेंट से ज़्यादा भारतीय हैं जिनके पास जो एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं पहली बार हुआ है कि भारत में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स का नंबर 50 परसेंट से ऊपर चला गया है ठीक है और ये कह रहे हैं कि आज ये जो नंबर दिस नंबर इज समवेयर अराउंड सेवेंटी फाइव सेवनटी सिक्स करोड़ ये नंबर बढ़ के नब्बे करोड़ नाइन्टी करोड़ हो जाएगा नाइन मिलियन हो जाएगा इन द नेक्स्ट टू ईयर्स एंड सो दिस इज अ वेरी बिग नंबर यार नब्बे करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स समझ रहे हैं आप ठीक है इसके सब जगह पे इम्प्लीकेशन होंगे टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा इकोनॉमी पे होंगे एक मार्केट के रूप में भी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दीज आर वेरी बिग नंबर्स कुछ चीजें इसमें ध्यान रखो द नंबर ऑफ मेल इंटरनेट यूजर आर मोर इन कम्पेरिजन टू फीमेल इंटरनेट यूजर अर्बन इंडिया के अंदर पेनिट्रेशन ज्यादा है जैसे ये कह रहे हैं 71% इंटरनेट पेनिट्रेशन है 2022 का डेटा है प्राइम मिनिस्टर ने अभी मेंशन किया तो ये 80% तक जा चुका है ठीक है बिकॉज 23 खत्म होने वाला है तो दिस इज द थिंग क्लियर और इसमें क्या ध्यान रखना है देखो रूरल अगर ये देखेंगे जैसे ये सेवन फिफ्टी नाइन मिलियन यूजर्स हैं अब इसमें रूरल वाले कितने हैं लगभग चार सौ मान लो फोर हंड्रेड मिलियन तो रूरल के हैं बाकी थ्री फिफ्टी थ्री सिक्सटी के अराउंड अर्बन वाले हैं अर्बन एरिया में पेनिट्रेशन तो अच्छा है रूरल एरिया में पेनिट्रेशन बढ़ाना होगा तो डेफिनेटली डिजिटल डिवाइड की बात तो हो ही रही है अर्बन वर्सेज रूरल के अंदर ठीक है या फिर विद इन द स्टेट कुछ स्टेट अच्छा कर रहे हैं जैसे गोवा में सेवेंटी परसेंट पे है कि बिहार के अंदर तीस चालीस परसेंट पे थर्टी टू परसेंट पर रुका हुआ है ये थोड़ा सा इंटर स्टेट जो वेरिएशन है इसको थोड़ा आ, सही करना होगा रूरल अर्बन डिवाइड है इसको सही करना होगा डिजिटल लिटरेसी लोगों में बढ़ानी होगी ठीक है और इसमें अच्छी बात यह है कि अभी जो नए यूजर्स आ रहे हैं है तो ना नंबर ऑफ़ न्यू यूजर्स जो ऐड हो रहे हैं उसमें रूरल वाले ज़्यादा ऐड हो रहे हैं तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गुड साइन इंडिया के लिए पूरा इसको लिंक कहाँ कहाँ से कर सकते हो जो पूरा टॉपिक है जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं आप इसको लिंक करोगे डिजिटल इकोनॉमी से डिजिटल इकोनॉमी से आई थिंक क्वेश्चन पूछ लिया है यूपीएससी ने डिजिटल इकोनॉमी पे इतने एडिटोरियल्स आए हैं डिजिटल इकोनॉमी से आप लिंक करोगे ठीक है मतलब इकोनॉमी का ऐसा एस्पेक्ट जो कि डिजिटल सर्विसेज ऑनलाइन सर्विसेज इन सब को यूज़ करता है उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है एंड दिस नंबर इज गोइ टू गो अप एंड अपड अप है ना डिजिटल इंडिया जो इनिशियेटिव है उससे आप लिंक कर दो डिजिटल इंडिया इनिशियटिव है कहीं ना कहीं उसकी सफलता को भी दर्शाता है कि इंडिया इज डूइंग काइंड ऑफ यू कैन से लीडरशिप का एक रोल ले रहा है डिजिटल इंडिया की सक्सेस यहाँ पे आप दर्शा सकते हो कि इंडिया में डिजिटल स्पैक्ट में चीजें बेहतर है चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट हो यूपीआई हो आज बड़े बड़े डेवलपिंग डेवलप्ड नेशन जो है उसको रेप्लीकेट करना चाह रहे हैं एक और मुद्दा यहाँ पे इस न्यूज में उन्होंने उठाया कि हमें क्या करना होगा हमें हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन है उनको सिक्योर करना होगा क्योंकि तो देखो क्या था जब इंडिया में जब फोर सर्विसेज आई उस समय पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब प्रोवाइड कर रही है चाइनीज कंपनियां थी ना डोमिनेंस किसका था चाइना का था अब चाइना की कंपनियां यहाँ पे इन्वॉल्व है तो हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है इन नेटवर्क पे कितनी सिक्योर है नहीं है क्या डेटा चाइना को जा रहा है नहीं जा रहा है कंपनी तो ये कहेगी नहीं जा रहा है लेकिन चाइना कोई डेमोक्रेसी थोड़ा ना है चाइना ने अगर सरकार ने कहा कि भैया हमें ये देना है तो देना है नहीं तो कंपनी बंद है इसलिए चाइना की तरफ रेफरेंस है प्राइम मिनिस्टर का कह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली या मैन्युफैक्चरिंग में जो आज चाइना का डोमिनेंस है उसको खत्म करना है इसलिए आपने देखा होगा एक बहुत अच्छी चीज भारत ने क्या की जब फाइफ का ऑप्शन ये चल रहा था चाइना की कंपनी को हटाई दिया उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया तो हमने ये झंझट ही खत्म कर दिया कि हमारी सिक्योरिटी वगैरह का क्या है क्या नहीं है खुद से भी डेवलप कर रहे हैं ठीक है डेटा पैटर्न सेल बाय द एयरलाइंस देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री के एक बड़े ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि यार जो एयरलाइन कंपनीज़ हैं काफ़ी सारी जैसे इंडिको का इन्होंने एग्जांपल दिया ये क्या कर रही है कुछ ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करती है जहाँ पे जो कंज्यूमर है कस्टमर है जैसे आपको ऑनलाइन बुकिंग uh, करनी है बुकिंग uh, करनी है ऑनलाइन ठीक है तो उसमें आपको सीट सेलेक्शन होता है कि कौन सी सीट है ये नहीं है उसमें ये कर रहे हैं कि जो फ्रीली अवेलेबल सीट्स है ना या तो उनको दिखाएंगे नहीं या पीछे दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि नहीं फ्री अवेलेबल सीट तो खत्म हो गई है नाउ यू विल हैव टू पे है ना वो कितना पे करना होता है कई जगह पे अलग है सो दो सो हजार डेढ़ हजार रुपए तक इस तरह से ये वेरिएशन में जाता है तो थिंग इज दैट पे ये कह रहे हैं कि आप एक फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो ठीक है फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को आप ट्रिक कर रहे हो है ना ट्रिक कर रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं अन इंटेंडेड परचेज कर रहे हैं लाइक पेइंग फॉर द सीट सीट के लिए वो पे कर रहे हैं जबकि स्टिल देर आर फ्री सीट्स अवेलेबल बट यू हैव क्रिएटेड द सिस्टम इन सच ए मैनर दैट यू आर पिकिंग द कंज्यूमर्स टू पे फोर दोज सीट तो ये एक तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गई गलत तरीके की चीज हो गई तो इसको इन्होंने नाम दिया डार्क पैटर्न दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डार्क पैटर्न क्या होगा इज वन वेयर एंटीटी कोई भी कंपनी या कुछ भी हो गया नजेज कंज्यूमर्स है ना टू बाई द प्रोडक्ट दैट दे डिडेंट इंटेंड टू अगर वो सीट के लिए पे ही नहीं करना चाह रहा लेकिन आपने कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है ना आप बता रहे हो कि नहीं इस तरह से है फ्री सीट्स तो खत्म हो गई हैं या फिर वो शो भी हो रही हैं तो इस तरह से कंज्यूमर को पता नहीं चल रहा है कि फ्री सीट्स अवेलेबल है या नहीं है तो दे आर फोर्स टू गो फॉर दैट काइंड ऑफ पेमेंट ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है या ना इसको साइबर क्राइम की कैटेगरी में भी ये रखना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह दिस इज इन डीड ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू बस ये ध्यान रख लो डार्क पैटर्न क्या होता है इतना ही ध्यान रखना है इस न्यूज में और कुछ नहीं आगे है। आएंगे टाइप पे है दिस इज द फुल पेज आर्टिकल बता रखा है एक गाँव की कहानी बताइए इन्होंने माहे गांव हिंदू में है, पूरे पेज पे पूरा आर्टिकल भरा हुआ है कि कैसे गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है वहां पे दो जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने पांच फैमिली मेंबर को मार दिया क्या करके थैलियम का पॉइजन देके मार दिया तो उससे सब सहमे हुए हैं डरे हुए हैं देखो थैलियम जो है ये पॉइजनिंग के लिए जाना जाता है क्योंकि टू लेस पॉइजन इसको माना जाता है ना इसका कोई टेस्ट है ना इसकी कोई गंध है जिसको कहते हैं एस्ट लेस है 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 मेटल है, थेलियम, बेसिकली टिन जैसा दिखाई देता है जैसा यहाँ पे आपको लग रहा है एयर के साथ कॉन्टेक्ट में आने पर रिएक्ट करता है ठीक है ये पॉइंट याद रखिएगा अगेन इंपॉर्टेंट फॉर फिल्म वो कहानी वहानी से हमें मतलब नहीं है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बस इस स्लाइड पे हैं इसको देख लो टेस्टलेस होता है अर्डरलेस होता है वाटर सोल्यूबल होता है ठीक है कैसा कंटेंट देख रहे हैं बच्चे विश्लेषण कर रहे हैं देखो कंटेंट जब सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ना इंटरनेट पे उसमें आपका आ रहा है सोशल मीडिया ठीक है एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन दीज थ्री थिंग्स आर देयर जो सबसे ज्यादा कंज्यूम की जा रही है सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन चलिए इट इज अप टू यू यार इट इज अप टू यू से इंटरनेट पे टाइम वेस्ट हो रहा है उससे इंटरनेट बेकार नहीं हो जाता ना इस इससे तो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ तलवार से किसी की जो है तलवार से किसी की जान जा सकती है लेकिन वो डिफेंड करने के भी तो काम आती है या आती थी तो गन्स और ये सब हो गई हैं अभी आपने देखा होगा यू के अंदर हुआ ना अभी शूटिंग का इंसिडेंट हुआ किसी ने गोली चला दी कई लोग मारे गए इस तरह की चीज़ें हैं वो द थिंक इज़ दैट द रेगुलेशन है ना थोड़ा सा वो देखना होगा चलो इसको देख लेते हैं क्या है थैलीम जो है मेटल है और ये पॉइजन के रूप में हमेशा से यूज इसको किया जाता रहा है क्यों किया जाता रहा है क्योंकि इसकी कोई अडर नहीं है टेस्ट नहीं है कोई क्लू छोड़ता ही नहीं है कि थैलियम पॉइजनिंग है या नहीं है स्लो पॉइजनिंग भी हो जाती है एक्यूट भी हो जाती है स्लो पॉइजनिंग धीरे धीरे अगर ये जहर दिया जाएगा तो क्या होगा जिसको दिया जा रहा है उसके अंदर जो आ, हैवी हेयर लॉस होगा अगर बहुत ज़्यादा डोज दे दी तो हेयर लॉस का टाइम ही नहीं मिलेगा वो खुद ही लॉस हो जाएगा ठीक है उस व्यक्ति की जान चली जाएगी इस तरह की स्थिति बनती है इसको पहले रेड पॉइजन के रूप में यूज़ किया जाता था लेकिन फिर जब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हुए कि एयर से रिएक्ट करके नुकसान पहुंचाता है फिर इसको बंद कर दिया इसका एक्सपोजर लिमिट जो है क्या है फिफ्टीन एम पर क्यूबिक मीटर या इससे ऊपर अगर जाता है तो फिर ये डेंजरस है है ना क्यों क्योंकि हमारी स्किन के थ्रू भी ये बॉडी के अंदर जा रहा है स्किन के थ्रू भी बॉडी में जा रहा है और रेस्पिरेशन के थ्रू भी बॉडी में जा रहा है हमारे नर्व्स को डैमेज करता है और सेलुलर फंक्शन है उनको डैमेज करता है फाइनली डेथ कॉज करता है दीज आर सम वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट दिस एलियम थिंग जो ध्यान रखिए नेक्स्ट आ जाओ हीमोग्लोबिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक स्टडी है ये नेचर मैगजीन ने है उसके अंदर पब्लिश हुई देखो हीमोग्लोबिन आप सब जानते हो बहुत जरूरी है हीमोग्लोबिन क्या करता है ऑक्सीजन कैरी करता है आरबीसी में होता है आरबीसी का जो रेड कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दैट हीमोग्लोबिन थिंग ये हम पढ़ते आए हैं बचपन में छोटी क्लास एनसीआरटी में भी आपने पढ़ लिया होगा ठीक है इसमें कुछ नया नहीं है कि हमारी जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन होता है और ये आरबीसी का कलर इसी वजह से रेड होता है हीमोग्लोबिन एक तरह का वर्णक की तरह भी काम कर रहा है यू हैव दिस गिविंग दिस रेड कलर कैरीज द ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैरी करता है जब हीमोग्लोबिन बॉडी में कम हो जाता है हम कहते हैं खून की कमी है वो इस सेंस में है कि बॉडी में अब वो इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है इसलिए आप हमेशा थका महसूस कर रहे हो और ये सारी चीजें तो ये तो हम पढ़ते हुए आए हैं लेकिन ये जो अब स्टडी पब्लिश हुई है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है ये क्या कह रही है कि बॉडी में केवल आरबीसी में ही नहीं है हीमोग्लोबिन ये जो हमारी कार्टिलेजेस होती है जो बड़ी बॉन्स होती है ना जैसे उसके अंदर क्या होते हैं ये कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज एक तरह का तो ये कार्टिलेज होती है ठीक तो है ये जब आपके इस तरह से डैमेज हो जाती है तो बॉन एक्सपोज हो जाती है और फिर आप देखोगे ऑस्टिथराइटिस में जो जॉइंट में घुटनों तो में ये दर्द हो रहा है वो इस वजह से फिर कार्टिलेज क्या है एक तरह का कनेक्टिंग टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू है अब यहाँ पे ये जो कार्टिलेज बनाने के लिए जो सेल्स रेस्पॉन्सिबल है उनको नाम दिया है कॉन्ड्रोसाइट अब ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इन कॉन्ड्रोसाइट में भी आरबीसी आपका ये हीमोग्लोबिन आपका मिल रहा है ठीक है हीमोग्लोबिन बना रही है तो ये एक अपने आप में बहुत रिविलिंग है इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो जाती है दीज है ना मेक द हीमोग्लोबिन एंड सीम टू डिपेंड ऑन दिस सर्वाइवल तो इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए चूहों पर इन पे इन्होंने देखा कि हम चलो ये जो पर्टिकुलर कार्टिलेज है ना यह जो कॉन्ट्रोसाइट्स हैं इनको इनके अंदर ऐसा कुछ जीन जो रेस्पॉन्सिबल है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए उस जीन को हटा लेते हैं तो इन्होंने देखा ये कॉन्ट्रोसाइड डेड हो जाती है फिर इन्होंने कहा चलो थोड़ा ऑक्सीजन स्ट्रेस क्रिएट करते हैं क्या करती है नहीं करती है कुल मिला इन्होंने कहा कि यार ये जो कॉन्ट्रोसाइड्स हैं ये जो कार्टिलेजेस हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है इनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है और एक बहुत यूनिक तरीके से चीजें ये कर रहा है क्या कर रहा है कॉन्ड्रोसाइड विद इन द ग्रोथ प्लेट ऑफ द न्यू बॉर्न माइस बट नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं बल्कि जो हीमोग्लोबिन है वो एक दूसरे से जुड़ के है ना कॉल हो रहे हैं मतलब जुड़ रहे हैं एक दूसरे से फॉर्मिंग द लार्ज ब्लॉब छोटे छोटे ऐसा जुड़ के ये बड़े ब्लॉब के रूप में बना रहे हैं विदाउट ए मेम्रेन तो इन ब्लॉब को क्या नाम दिया है हीमोग्लोबिन बॉडीज या हेडी एच ई डी वाई नाउ दिस टर्म बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोलिम्स दिस हेडी एच ई डी वाई ये क्या नाम दिया है हेडी नाम दिया है इसको हीमोग्लोबिन बॉडीज या हेडीज़ अब क्या करेगा आपको कहेगा कि हाँ आर में तो होता ही है ना क्या और अदर पार्ट में होता है या फिर ऐसे लिख देगा केवल आर में होता है प्रॉब्लम में इस तरह के स्टेटमेंट यूज करेगा और फिर आप देखोगे हाँ यार इसमें क्या नहीं बात है आरबीसी में ही होता है इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया घर आके देखा तो फिर उसके अंदर हो गई ये ध्यान रख लो कि दूसरी जगह पे भी हो रहा है और ये जो हीमोग्लोबिन बॉडीज हैडी बनाई जा रही हैं है ना ये रिस्पॉन्सिबल है इनके सर्वाइवल के लिए फ़ायदा क्या होगा सर इसका फ़ायदा होगा कि ज्वाइंट डिजीज है उसके अंदर नई फाइंडिंग्स हमें देखने को मिल जाएंगी क्लियर है चलो आगे आते हैं सिम कार्ड वाला आपका नहीं हो पाया था ये बता देता हूँ देखो सिम कार्ड सिम स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल कुछ बेसिक चीज़ें हैं केवल प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है ना और बहुत टेक्निकल लिखा है ठीक है तो उस टेक्निकलिटी में नहीं जानी है क्योंकि देखो यूपीएससी पी के जो प्रिपरेशन है ना उसमें सिलेबस ऐसा है कि कोई पार नहीं है सिलेबस का बच्चा कंफ्यूज हो जाता है डायरेक्शन लेस फील करता है लेकिन वही डायरेक्शन आपको मिल जाती है जब आपको थोड़ा सा सिलेबस को करने लगते हो और आप यूपीएससी को समझने लगते हो कैसे समझोगे यूपीएससी के पेपर्स और इनको एनालिसिस करके तो आपको पता चलता है कि कहाँ तक मुझे जाना है है ना और कहाँ पे रुक जाना है किस स्टेप पे क्योंकि एक टॉपिक पे अगर आप कुछ चाहते हो कि मैं कोई रिसर्च ही करके बैठ जाऊं दिस इज नॉट द राइट डायरेक्शन हमेशा याद रखो ट्राई टू कवर मोर नंबर ऑफ टॉपिक्स ऑरिजोंटली एक्सपेंड करो ज़्यादा डेफ्थ में नहीं जाना है कोई रिसर्च नहीं करनी है ठीक है डेफ्थ में उतना ही जाओ जहाँ पे कंसेप्ट जरूरी है समझ आनी चाहिए चीजें बाकी फिर टेक्निकलिटी में बहुत ज़्यादा जा रहा है तो उसको वो करना है हमेशा ये एक गोल्डन एक रूल है इसको बना लो फिर आप कहोगे सर चार क्वेश्चन तो यहाँ से आ गए पांच आ गए पांच को दस को मैं कह रहा हूँ पंद्रह परसेंट को भी छोड़ दो ठीक है ट्राई टू फोकस ऑन डैट पार्ट जो हर साल हर साल उसी पैटर्न को फॉलो करता है दिस नाइन्टी परसेंट थिंग ट्राई टू फोकस ऑन दै नाइन्टी परसेंट एंड डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम विद अ वेरी गुड मार्जिन इन डीड लेकिन बच्चे क्या करेंगे वो दस परसेंट के पीछे भागेंगे जब की बार ये हो गया चलो अब क्या करें ये हो गया क्या करें एक नॉर्मल टेंडेंसी ही है पहले वो नाइन्टी परसेंट सिक्योर करो फिर उस दस परसेंट की चिंता करते हैं सिम स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल ये फुल फॉर्म होता है है ना फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल ये क्या करेगा ये एक तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है ना पूरा जो सेलुलर नेटवर्क है तो सिम आइडेंटिफाई कर रहा है आपको नेटवर्क के अंदर तो सिम बेसिकली एक तरह की माइक्रोचिप है इंटीग्रेटेड सर्किट है, है ये जो इस तरह से लगा रखा है है ना और सेलुलर uh, नेटवर्क के अंदर एक आइडेंटिटी देती है आई देती है कि हाँ भैया ये व्यक्ति इस तरीके से है ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे आर्टिकल में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो दीज आर द थिंग्स इनको टारगेट करके पूछ सकता है वेरी मच पॉसिबिलिटी क्या पूछ सकता है सर सिम कार्ड कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है नहीं कर सकता सिम कार्ड के अंदर क्या होगा आपका इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड नंबर आईडी नंबर ये रहेगा आपकी लोकेशन करंट लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाएगी सिम कार्ड से ठीक है प्रिफर्ड नेटवर्क लिस्ट ऑफ प्रिफर्ड नेटवर्क इमरजेंसी नंबर्स डिपेंडिंग ऑन द स्पेस अवेलेबल द सब्सक्राइबर्स कॉन्टैक्ट एस ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन ये स्टोर कर सकती है क्या क्या स्टोर कर सकती हैं ये ध्यान रख लो ठीक है अब सिम कार्ड का ओवर द दस रिवोल्यूशन कैसे हुआ नहीं हुआ है ना बड़े होते थे फिर नैनो आ गए माइक्रो आए नैनो आए ये सब तो मैं एक और ध्यान रखें सिम कार्ड जो है तो सिम कार्ड डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द आई एस ओ आई सी सेवन एट वन सिक्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये वो स्टैंडर्ड है जो सिम कार्ड में भी फॉलो होता है उसकी डिजाइनिंग के लिए और इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होते हैं स्मार्ट कार्ड होते हैं जिसमें चिप वगैरह लगी होती है कोई भी ऐसा कार्ड वो सारे ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया ये ध्यान रखें जीएसएम के अंदर तो सिम कार्ड मैंडेटरी होता है उसको निकाल के इस तरह से कर सकते हैं सी के अंदर ये ऐसा नहीं होता है जो फोन होते हैं और क्या ध्यान रखना है अंटिल टू जी नेटवर्क द सिम कार्ड डिनोटेड बहुत हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर 2G जब तक था तब तक सिम कार्ड जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को डिनोट कर रहा था लेकिन 3G के आने के बाद ये केवल सॉफ्टवेयर को ही डिनोट करता है इस चेंज विद द एडवेंट ऑफ द यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम विद्री जी नेटवर्क यहाँ पे सिम केबल सॉफ्टवेयर यहाँ पे बन गया है एंड द हार्डवेयर वॉज कॉल्ड द यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड यू आई सी सी और ये यू आई सी सी जो है इसी वजह से अब हम जो है दिस सॉफ्टवेयर वॉज ऑल्सो अपग्रेडेड टू एन एप्लीकेशन कॉल्ड यूनिवर्सल सिम यू सिम इसको नाम दे दिया अब ये जो यू सिम है कम्पेटिबल है आपके थ्री जी के लिए भी है फोर जी फाइव जी नेटवर्क सबके लिए है यू जो है ये बहुत सिम एंड यू सिम एप्लीकेशन दोनों के साथ में आपकी आती है और अभी जो नए फोन आ रहे हैं या फिर आई फोन फोर्टीन या उसके ऊपर जाओगे तो उसके अंदर क्या आ रहा है थिंक इज़ दैट कि अगर आपका जो सिम कार्ड है ना अभी क्या होता है जैसे मान लो मैं एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ मुझे जियो पे जाना है ना या जियो यूज़ कर रहा हूँ एयरटेल पे तो वो सिम कार्ड आपको करना होगा पोर्ट कराना है तो सिम भी बदलनी होगी अब क्या हो रहा है कि आपकी ई सिम आ रही है ना ई सिम आ रहा है इसमें क्या होगा इसके अंदर इसको ओवर रीराइट कर सकते हैं ओवर कर सकते हैं मतलब जैसे मुझे लेटेस्ट से कि जियो से एयरटेल पे जाना है तो एयरटेल वाला वहीं से उस सिम को वो रीराइट कर सकता है मुझे सिम निकाल के बदलने की जरूरत नहीं है तो जो ई सिम कार्ड है जो अभी आ रहे हैं धीरे धीरे यही प्रिवलेंट हो जाएगा सिम मोबाइल फोन्स के अंदर ये क्या कर रहा है द सिम सॉफ्टवेयर इज लोडेड ऑन द यू दैट इज परमानेंटली इंस्टॉल्ड इन द मोबाइल इक्विपमेंट इन द फैक्ट्री सेल्फ ठीक है और उसको ऊपर से आप कमांड देके वो राइट कर सकते हो तो वहां पे आपको जाके सिम बदलने की निकाल के करने की जरूरत नहीं है वो इस तरीके से आसानी से हो जाएगा सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ई सी ठीक है तो ये पॉइंट्स ध्यान रखो बाकी बहुत ज्यादा टेक्निकल ये था ना डोंट नीड टू गो इन दैट मच टेक्निकलिटी दिस इज द क्वेश्चन फॉर टूडे आंसर राइटिंग गाइस ओके थर्ड ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन चाइना इंडिया आर नेचुरल पार्टनर्स इन बिल्डिंग ए ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर कैसे भारत और चाइना साथ आ सकते हैं ये चीजें बताइए तो यही डिस्कस करना है जैसे ही क्वेश्चन एंड करते हो वहां पे बता दोगे कि प्रॉब्लम क्या है भारत और चाइना के साथ आने में ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ है चाइना जो कहता है वो कर नहीं रहा है उसके एक्शन इस तरीके से हैं ठीक है जो कहीं ना कहीं यूनि एक्शन है कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेंशनिस्ट एजिमानिक जो टेंडेंसीज है उनको वो दर्शाता है बॉर्डर डिस्प्यूट्स के अंदर किस तरीके से वो चीजें कर रहा है तो लास्ट के अंदर से फोर्टी वर्ड्स और सो ये बता भी देना कि हाँ आ तो सकते हैं शुरू में सारी चीजें बताओ कहाँ आ सकते हैं इकोनॉमिक साइंस में कैसे आ सकते हैं मल्टी रिफॉर्म यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म और इन सब में ग्लोबल साउथ के अंदर कॉपोशन के अंदर ठीक है ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज में इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे साथ आ सकते हैं तो वो सारी चीज़ें बताओ कि हाँ आ सकते हैं देखो एस सी है अच्छी अच्छी बातें करो शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में दोनों साथ है ब्रिक्स में साथ है हो जाएगा नॉट अ डिफिकल्ट वन ट्राई टू राइट दिस क्वेश्चन ठीक है आगे आएंगे और दिस इज ऑल फॉर टूडे गाइज ओके जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इफ यू फाइंड द सेशन सेल्फ हेल्पफुल प्लीज डू शेयर द सेशन एंड लाइक द सेशन ओके हैव अ ग्रेट डे ये टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आपके अपडेट्स रहते हैं पी के रिगार्डिंग सेशन की टाइमिंग के रिगार्डिंग और ये सब अभी आपकी एक क्रैक प्रलिम्स एम सीरीज चल रही है ठीक है क्रैक प्रलिम्स सीरीज चल रही है आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज गो थ्रू दो सेशन स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग रिकमेंडेशन प्लीज गो थ्रू दो सेशन दीज आर वेरी वेरी प्रोडक्टिव ठीक है बाकी किसी बच्चे का है कोई डाउट अभी तक आपने कोई आंसर नहीं लिखा है ठीक है तो कोई आंसर नहीं लिखा है ना तो आप कुछ एक महीने ये प्रैक्टिस करो देखो जो भी नए बच्चे हैं ध्यान से सुनो जिन्होंने अभी तक कोई आंसर नहीं लिखा है कुछ नहीं है जिनको ये है कि अभी तो सिलेबस पूरा करेंगे तब आंसर लिखेंगे फॉर द नेक्स्ट थर्टी डेज लिख लो इसको डेली क्या काम करना है डेली अपनी मर्जी का कोई भी एक टॉपिक लो जो आपको पसंद आए ना जैसे इंडिया चाइना रिलेशन है तो इंडिया चाइना हेडिंग डाली जो आपके मन में आ रहा है वो लिखो जो आपके मन में आ रहा है उसको लिखना है क्या है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है बस उस पर पे दो पेज लिखने हैं आपको लग रहा है कि हाँ पड़ोस के अंदर कुछ ऐसा इशू चल रहा है कचरा वचरा या फिर स्ट्रे डॉग्स है ना ये आवारा कुत्ते घूम रहे हैं या फिर सड़क नहीं बन रही है ऐसा कोई दिमाग में मतलब वट एवर इशू कोई पर्सनल है कोई आस पड़ोस में कोई इंटरनेशनल नेशनल वट एवर इशू इज देयर ऑन विच यू फाइंड कि हाँ मतलब मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है तो उसमें लिखो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है एक महीने के लिए ये प्रैक्टिस वो बच्चे करेंगे जिनको आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील है या फिर ये जो जो सोच रहे हैं कि हाँ चलो पहले सिलेबस पूरा होगा छः महीने बाद आंसर राइटिंग शुरू करेंगे वट एवर इट इज ट्राई टू फॉलो दिस वन पर्टिकुलर वन प्रैक्टिस रिचुअल इसको बना लो रिचुअल का क्या मतलब होता है जो चीज़ डेली हम करते हैं रिचुअल का पावर बहुत बड़ा है रिचुअल इन द सेंस जो चीज़ आप डेली कर रहे हो जैसे नहाते हैं हम डेली हैं ब्रश डेली करते हैं ठीक है तो उसके अपने फायदे हैं जैसे करंट अफेयर की क्लास हम डेली करते हैं इसके अपने फायदे हैं केवल करंट अफेयर ही नहीं कर रहे हैं ठीक है केवल करंट अफेयर ही नहीं कर रहे हैं आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा है एप्टीट्यूड समझते हो ना किस तरीके से चीज़ों को करना है समझना है आपका थॉट प्रोसेस थिंकिंग ठीक है क्योंकि यूपीएससी ऐसा एग्जाम है उसमें ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे लिखा है वहां से क्वेश्चन आ गया इस किताब से और तो आपने लिख दिया है काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हर साल होते हैं स्पेशली मेन्स में इंटरव्यू में तो इसी तरह से रहता है कि आप उसको वहीं पर इंटरप्रेट करके अपने एनालिसिस के प्रस्पेक्टिव में रखोगे लेकिन उस तरह का आपका वो डेवलपमेंट भी तो हो थॉट प्रोसेस तो इन दैट पर्टिकुलर सेंस इट इज इंपॉर्टेंट आ गया समझ में ऐसे राइटिंग का बड़ा सिंपल सा फंडा है देखो ऐसे राइटिंग की एक तो सेपरेट क्लास ही लेंगे यहाँ तो डिटेल में नहीं बता सकते लेकिन एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ यह है कि जिसपे एस लिख रहे हो ट्राई टू डू फाइव टेन मिनट अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल कितना टाइम आपके पास है ब्रेन स्टॉबिंग कर लो कि है ना ये टॉपिक है इस पर मुझे ये ये ऐसे ऐसे लिखना है क्योंकि शुरू में डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करोगे तो वो फ्लो नहीं बनेगा है ना आपको लगेगा मुझे कुछ आता नहीं है लेकिन जब रफ वो पॉइंट लिखना स्टार्ट करोगे तब हेडिंग के माध्यम से यू विल स्टार्ट गैदरिंग द कॉन्टेंट कॉन्टेंट आएगा उसको लॉजिकली अरेंज कर सकते हो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक फ्लो होना चाहिए ऐसे में ठीक है ऐसा नहीं कि जनरली बच्चे क्या करते हैं कुछ लिख रहे हैं फिर एकदम से किसी दूसरे मुद्दे पे चले जाएंगे वो कनेक्ट नहीं हो रहा है एक पैरा से दूसरे पैरा पे जा रहे हो कनेक्टिंग नहीं बैठ रही है ट्राई टू फॉलो दैट फ्लो है ना कि वो चीज़ें एक से दूसरे चीज़ें में कनेक्टिंग होती हुई जा रही हैं दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बाकी फिर सारी चीज़ें आ जाती है कॉन्टेंट की मुझे नहीं लगता आपको कोई कमी रहेगी अगर करंट अफेयर या न्यूज़ पढ़ रहे हो कॉन्टेंट वॉन्ट वी ए कांड शुरू में ये फॉलो करो बाकी फिर अभी तो एन पहले इकोनॉमिक्स की पूरी करते हैं फिर हम आएंगे दूसरी पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंटरनल सिक्योरिटी की कोई बुक आप मत फॉलो करो रादर देन यू कैन गो फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट तो बड़ा सिंपल है कुछ गिने चुने टॉपिक हैं उन्हीं के जो नोट्स हैं वो आप बना लो ठीक है एनडीएमए की गाइडलाइंस है नेट पे आसानी से मिल जाती है उनको लिख लो हमेशा वही कंटेंट रहेगा कुछ चेंज नहीं होगा इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर ट्राई टू फॉलो सम गुड नोट्स ई बी इंस्टीट्यूट के अच्छे आप नोट्स ले सकते हो ठीक है और उसमें भी कॉन्टेंट वही सीमित है बाकी एडिशन होता है वो करंट से कर सकते हो रदर देन फॉलोइंग कांड ऑफ बुक यू कैन डिपेंड ऑन समुड नोट्रा आई वॉन्टेट बुक फॉर या फिर बुक ऐसी हो बहुत ही हैंडी हो है ना ऐसा नहीं कि अब डिजास्टर मैनेजमेंट है पाँच सौ की किताब लिख लीजिए ऐसा नहीं बहुत हैंडी सी बुक है की लेटेस्ट से डिजास्टर मैनेजमेंट इज देयर विद इन टू हंड्रेड पेजेस एट मैक्स उसको कवर कर लेता है तब तो हमारे लिए ठीक है दो सौ पेज हैं तो हमने पचास पेज के नोट्स बना लिए तो दैट सम सेंस सेंस ठीक है वो इनपुट आउटपुट का बनना चाहिए ना देखो आपको एग्जाम 2025 में देना हो 26 में 27 में कभी भी देना हो आंसर राइटिंग को आपको अगर फोकस करना है तो उसमें क्या करना है आप अगर इतना लेट दे रहे हो एग्जाम ठीक है तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन और उसका आंसर इस तरीके से तो प्रैक्टिस नहीं करोगे लेकिन आंसर राइटिंग को इस तरीके से प्रैक्टिस करो जो मैंने कहा कोई भी इशू है उस पर दो पेज लिखो कोई भी इशू है उस उसपे दो पेज लिखो आपकी लैंग्वेज रिफाइन होगी वॉकेबुलरी डेवलप होगी सेंटेंस कंपोजिशन इंप्रूव होगा धीरे धीरे अपने आप ही कोई नहीं बताएगा अपने आप ही रेलिवेंट लिखने लग जाओगे एक स्किल है जैसे साइकिल चलाना सीखते हो ना पहले दिन नहीं सीखता है बच्चा ठीक है उस तरीके से आंसर राइटिंग भी एक स्किल है आपका जो थॉट है ऑर्गेनाइज होके पेपर पे आना शुरू हो जाएगा तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए उसका आप आंसर लिखो ठीक है अब आप चाहे ट्वेंटी सिक्स में अपियर हो रहे हो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है इसका मैं आंसर कर रहा हूँ कि सर मुझे ट्वेंटी सिक्स में, में अपेयर होना है आंसर राइटिंग करूँ नहीं करूँ इस सेंस में मत करो कि क्वेश्चन है उसका आंसर लिख रहे हो लेकिन आंसर राइटिंग का वो कॉम्पोनेंट जो स्किल है वो डेवलप करो कोई भी एक टॉपिक लो रेंडमली लो ये अच्छा आज जैसे क्या ले सकते हैं क्रिकेट देखते हो क्रिकेट में कोई मैच जीत गया है आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ यार क्रिकेट में ये हो रहा है वो हो रहा है वो चीज़ें लिखो फाइन चाइना का कोई इशू चल रहा है इसराइल का इशू चल रहा है उस पर लिख दो कास्ट सेंसस है उस पर लिख दो सेम सेक्स मैरिज वाला मुद्दा है उसके ऊपर कुछ लिख दिया ठीक है करोगेसी का मुद्दा था आपको लग रहा है हाँ ये इंटरेस्टिंग है मैं लिख सकता हूँ उस पर लिख दो कोई भी रैंडम टॉपिक पिक करो दो पेज उस पर पे लिखना शुरू करो आ गया समझ में लेट्स रैप अप दिस सेशन ठीक है हैव अ ग्रेट डे गाइस ग